नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सोनल पांडे। बहादुराबाद लक्ष्मी विहार कॉलोनी में एक फूड फैक्ट्री में खाना बनकर टिफिन पैक करके कंपनियों में भेजा जाता है। इस कंपनी का गंदा पानी कंपनी के पीछे की ओर रिहायशी कॉलोनी में निकाला जाता है, जिससे कॉलोनी वासियों में काफ़ी रोष है। उन्होंने कई बार फैक्ट्री का गंदा पानी बंद कराने के लिए अधिकारियों से बात की, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन वही फैक्ट्री स्वामी ने कॉलोनी वासियों से कहा कि मैं इस गंदे पानी को बंद कर दूंगा, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया और फैक्ट्री का गंदा पानी खुला नाली में निकाला जा रहा है, जिससे कॉलोनी वाले अनेक प्रकार की बीमारियों के चपेट में आ रहे हैं। इस गंदे पानी से कई प्रकार की बीमारियाँ, मक्खी मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे कॉलोनी वासियों के बच्चे और बूढ़े गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। इस मौके पर कॉलोनी वासी रोहित चौहान, बंटू, मास्टर महिपाल शर्मा, अनुज गुप्ता, रघुनाथ शर्मा, गौरव चौहान, दिनेश चौहान, कंवर पाल, अमर यादव, बालबीर सिंह आदि ने काफ़ी विरोध जताया और कहा कि जब तक फैक्ट्री का गंदा पानी बंद नहीं होगा तब तक इस फैक्ट्री का विरोध करेंगे। लक्ष्मी विहार, अच्छा क्या समस्या है? हमारे यहाँ समस्या है कि एक तो लेटरिन का गड्ढा है, तो उसमें पानी सीधे नाली में जाता है, उतनी बदबू की यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते हम। किसका वो लेटरिन का गड्ढा है? ये बराबर में फैक्ट्री वाले हैं। कहाँ की फैक्ट्री? फैक्ट्री पहले पानी की थी यहाँ पे फैक्ट्री। अच्छा। पानी और अब इन्होंने उस पर चढ़ा दी किराए पे, खाना बनता है 150 आदमियों का तीन रोटे, वो इतना पानी बहता है और गड्ढे की भी समस्या है और सारे मेरे मकान में बिल्कुल पूरी स्लैब भी आ गई और पहले बिल्कुल भी नहीं थी कैसे, और बदबू हम खड़े नहीं हो सकते और नाली में कोई दाल बहरी, कोई चावल बहरे, कोई सब्जी बहरी, नाली के कीड़े चलकाते हैं घर के अंदर। ये इसकी कैसे शिकायत की आप लोगों ने? है जी, कई शिकायत की पहले कभी नहीं की, कोई इकट्ठा ही नहीं होता, परेशान हो गई। कितने परिवार लोग हैं कई बार हमारे को कहा गया यहाँ पे? एक तो ये है। कितने परिवार होंगे? ठीक है, आपका नाम? विक्रांत। हाँ विक्रांत जी, यहाँ सब लोग इकट्ठे हैं, यहाँ में कितने परिवार रहते हैं? भाई परिवार तो पूरी कॉलोनी में तो 100-150 परिवार हैं। अच्छा, लेकिन इस पर्टिकुलर गली की बात करते हो तो 10 परिवार हैं। हाँ, तो यहाँ पर समस्या मेन पूरे कॉलोनी की बन चुकी है, क्योंकि खाने का वेस्ट है जो वो सीधा नाली में आ रहा है और वो पूरी पूरी चौक कर देता है, नाली जो मेन नाली है उसको भी चौक कर देता है, तो समस्या ये है। तो इसकी शिकायत, इसकी शिकायत काफी टाइम काफी बार की है, ग्राम प्रधान से भी बात की थी, जब प्रधान थे तो प्रधान भी नहीं है, प्रधान का भी बस्ता रखा हुआ है, प्रधान को भी शिकायत की है, कॉलोनी के जो पदाधिकारी है उनसे भी बात हुई है, कई बार इनसे बात हुई है कि समस्या का निराकरण हो, लेकिन कुछ हो नहीं पाया अभी तक। अब जब ये समस्या का मतलब निराकरण हुआ, ये जिसकी तस बनी है, तो अब क्या अगर भैया आप उच्च उच्चा दिखा रहे हो तो संपर्क किया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम रोहित चौहान। हाँ रोहित चौहान जी, ये जो यहाँ आप लोग जो इकट्ठे हुए, क्या है मामला? सर मामला ये है कि मरीज को कई बार समझाया गया, मरीज ने हर बार ये कहा कि मैं एडजस्ट करके ठीक कर दूँगा, समस्या ठीक नहीं हो पाई। सुबह दोपहर शाम कभी भी जब मर्जी जब भी सीवर का पानी निकाल दें, गली में कोई मेहमान आओ, किसी का फंक्शन हो, कोई बिल्कुल बदबू रहे टोटल। ये दो गड्ढे हैं आपके सामने इधर, और एक गड्ढा ये है, इसमें चावल जो भी सब्जी वगैरह डालता है वो भी नाली में ही, और ये दो गड्ढे का पानी पीछे से निकाल रखा है, इसमें सारा गटर में 20 मिनट लैट्रीन होटल लैट्रीन का पानी। तो क्या कहते हैं जब आप लोग कहते हैं कि ये बीची बंद करें? अभी जब मेरी इनसे कॉलोनी वालों से बात हुई थी तो इन्होंने मुझे कहा था कि दो चार बार में बोला, इन्होंने कहा कि हम ठीक कर देंगे, लेकिन मैंने इन्हें कहा था कि आप जैसे ही दो चार दिन में इकट्ठा करके इस पर कड़ी कार्रवाई करने की, या तो DM की एप्लीकेशन देगी और या फिर ग्राम प्रधान के जरिए देगी, और नहीं मानता तो ज़बरदस्ती से बंद करेंगे। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए आदित्य की रिपोर्ट।